तो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते जनाब। आज हम पहुंचे हैं स्वयंभू, और स्वयंभू में ये जो एरिया है ये भी मेन बुद्धिस्ट एरिया है, और आज हम इसकी विज़िट करने के लिए आए हैं, और आपको भी चलाएं मैं विज़िट करवाता हूं। देखिए जी, ये जो एरिया है बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले था उसी तरह। यहाँ पर मेन जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो ये एक घुमाने वाला जो चक्कर व्यू है या चक्कर है या जो चीज़ ऐसे घुमाते हैं, अभी मुझे तो पता नहीं क्यों। और ये जो मूर्ति है इधर सामने, और देखें काफ़ी लोग जो, और आज ये और ज़्यादा बड़ा इम्तिहान है किस चीज़ का, नहीं ऊपर जाने का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, किस तरह दिखा सारे लोग आ रहे हैं। और ये इस जगह का विज़िट करते हुए तमाम बुद्धिस्ट जो लोग, ये जी देखें बिजला खुला है, टोटल फैमिली आराम से बैठी है। बहुत ज़्यादा इधर बंदर मौजूद है, हम ऊपर जाएंगे। काफ़ी स्टेप्स हैं, काले बोर हम ऊपर जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तरह मांगने वाला मौजूद है यहाँ पे। और स्कूल के बच्चे जो हैं, आफ्टर द स्कूल एक्सपीरियंस, देखो आपके स्कूल की तरह ऑसिस इंटरनेशनल की तरह बैग में डाल, जेब चुपा जेब चुपा जेब चुपा। हेलो, कैसे हो? यार जेब चुपा लो, कालब ने कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई है और इसको छीनने के लिए बंदर जो है वो आ रहे हैं। कुछ नहीं होता, ये हाथ से बनी हुई चीजें जो है इधर मौजूद है। अभी तो काफी स्टेप्स ऊपर जाना है, तो अभी अगर आपको दिखाऊं मैं रोड यहाँ से जब नीचे है नजर नहीं आ रहा, देखिए ऊपर जाएंगे, देखेंगे ऊपर जाते हुए स्टेप सब देख लें जी। मैं करूँगा थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज, और फिर ऊपर जाकर बनाना। सो जनाब, मैं इधर खड़ा था कि मैं थोड़ा सा सांस लूं, और उसके बाद कालब ऊपर जा रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ। यहाँ पे चढ़ चढ़ के जी जनाब ऊपर ही देखना है प्लेस को, और बंदर जो है इधर इनसे डर के रहना। हाथ में अगर कोई चीज़ है तो ये पकड़ लेते हैं, सही यार में ये जो जगह ना फुल थकाने में है। ऊपर जो है जा के देखते हैं, पता नहीं कितने स्टेप है कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। दूसरी साइड से मैं आपको व्यू करवाऊंगा यहाँ से।
ये आप देखें मजीद जो कितने स्टेप्स और हैं, इनको हम जाएंगे ऊपर और देखेंगे। अनु बताओ आप तो नहीं थकी? बहुत ज़्यादा थक। और कितना सीढ़ियाँ है अभी? हाँ जी कालो साहब तुसी जाना तो है, अभी जाएंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर ऊपर देखें कितनी ज़्यादा सीढ़ी। मेरे हिसाब से तकरीबन 300-400 सीढ़ियाँ हैं यह मस्जिद आगे ऊपर जाने के लिए, लेकिन जाते हैं जी। तो जी जनाब, थोड़ा सा सांस लेने के बाद दोबारा से कंटिन्यू ऊपर जाने के लिए। तो पहले जो सीढ़ियाँ थी वो तो थोड़ी थी, थोड़ा सा इतना एकदम ऊंची नहीं थी, ये बिल्कुल ऊंची, इतना देखें बिल्कुल सीढ़ियाँ। और ये इन्होंने लोगों के आने के लिए सपोर्ट के लिए साथ रेलिंग लगवाई है और इसको हम यूज़ करेंगे रेलिंग कॉल्स। सारे जो हैं वो टूरिस्ट जो हैं और जो लोकल लोग हैं वो आए हैं यहाँ ताकि इसको देख सके इस जगह को। और अगर मैं आपको दिखा इधर से क्लियर नहीं नज़र आएगा, उसके बाद हम देखेंगे दूसरी साइड से। चलो जी अनु चले, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। हाय हो हो, काफी ऊंची जगह पे ये मौजूद है। रेलिंग को पकड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, फुल आज शाम को थकावट होने वाले है। अभी थोड़ी सीढ़ियाँ इसके बाद रह गई हैं। जिसने फिटनेस चेक करनी भाई आ जाओ इधर, आपको अपनी फिटनेस का पता लग जाएगा। हाय ओह, लेकिन आज वीडियो अपलोड करनी है भाई, एक और नई प्लेस आपको दिखाने दी थी मैंने कहा जाएंगे भाई, जाना क्यों नहीं, फुल ऊपर। अभी ऊपर जाके मैं जो फिनिशिंग लाइन पे हूँ, फिनिशिंग लाइन पे होंगे तो फिर आपको जाके मैं दोबारा दिखाता हूँ। हेलो जनाब, चंद एक और स्टेप्स बाकी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जहाँ पे बगैर रुके स्टॉप के ऊपर पहुँचा हो। पहुंच चुके हैं। हो जग जगह प्लेस इस पर हम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं सीढ़ियां किस तरह। चले मैं आपको भी इस प्लेस को दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा ऊंची प्लेस है, बहुत ऊंची जगह। जैसे कि देखिए हवा कितनी तेज़ हो गई,
यहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो। ओए इनको देखें, काला सा फ्रेश है, बाकी हमारा काम हो। आरो यारो थे भैया दो मिनट। जी जनाब, आफ्टर टेकिंग शॉर्ट ब्रेक अभी दोबारा से मैं टोटल इधर जो है वो बुद्धा स्टूपा जो इधर मौजूद है उसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये टोटल एरिया, ये काफ़ी हाइट पे जो है इन्होंने बनाया हुआ है। एक दफ़ा बंदे को पता लग जाता है, ना सिर्फ लोग खुद आए हैं बल्कि अपने बच्चों को ले गए हैं। और ये तमाम जो है पुरानी मूर्तियाँ वगैरह इधर मौजूद हैं। और ये जो लकड़ी वाली जगह, यहाँ पर भी मूर्तियाँ मौजूद हैं। और इधर जो है वो प्रे करते हैं ये ख़ास तौर पर लोग। कुछ नया कंस्ट्रक्शन का इधर काम चल रहा है, लेकिन पुराना रहने वाले इधर लोग वर्शिप के लिए आए हैं, इबादत के लिए आए हैं, मौजूद है इस तरह। को पता है ये क्या बनाया हुआ है? ये जो है तो मंदिर, कुकर, इधर कुत्ते को कहते हैं कुकर। उसका मूड ऑफ ही लग रहा है, लिहाजा मुझे जो है वापस ही होना पड़ेगा। साथ जहाँ पे भी आप मंदिर देखेंगे वहाँ पे आपको ज़रूर जो है वो नज़र आएंगे इस तरह ये शॉप्स जो हैं, शॉप्स नज़र आएंगी। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉप्स मौजूद हैं। और ये साइड पे होते हुए यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं ये सारा आपको दिखा रहा हूँ, फॉरनर्स ज़्यादा आए हैं ताकि वो जो है इधर से बच्चों के साथ आए दिखाएं। मेन ये प्लेस जो है इधर, मेन इसकी खासियत यह है कि ये हाइट पे बहुत ज़्यादा हाइट पे। और जब ये बनी होगी, अब इसका एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, तो देखिए कितनी मेहनत से इसके ऊपर सामान आया और किस तरह इन्होंने ये बनाया और ये किस तरह अभी तक ये कायम है। ऊपर ये पहाड़ के ऊपर सबसे ऊंचा पहाड़ ये, और इसके ऊपर ये इन्होंने बुद्धा स्टूपा जो है बुद्धिस्ट लोगों की जो मॉनेस्ट्री भी कह लें, इधर लोग वर्शिप के लिए आते हैं। जी जनाब, यहाँ से आप देखें, यहाँ से व्यू देखें क्या, ये खटमंडू का टोटल खटमंडू का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है आपको। और आप देखें कितनी ऊंचाई पे ये मंदिर मौजूद है, बुद्धा स्टूपा जो मौजूद है। और यहाँ से टोटल जो है वो नज़र आ रहा है एरिया, घर जो है किस तरह आपके छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। और ये बिल्कुल काफ़ी हाइट पे मौजूद है और ये कुछ इस तरह। और ये जो मंदिर साहब आ गए, टैक्स कलेक्टर आ गए यहाँ पे, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। और ये जैसे ही आया सारे पीछे हो गए। और ये उसके बच्चा साहब, ये मेन जो है जगह चिक चिक इस साइड से व्यू। और ये देखें जनाब,
इस सामने का व्यू है इसका, ये दो बड़े इधर टावर बनाए हुए, सेंटर में बुद्धा स्टूपा है और इधर देखिए ये सारा एरिया जो है इस तरह, ये मेन काठमांडू का ऊपर व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए इधर अच्छा लगा नहीं। तो जनाब अभी वापस जाते हुए इस बुद्धा स्टूपा का हमने विज़िट कर लिया कंप्लीट, और अभी वापस जाते हुए शायद इस तरफ जो है वो स्टेप्स कम है, जब हम दूसरी साइड पे गए थे उस तरफ बहुत ज़्यादा स्टेप्स थे, तो ये हंसते हुए जी ये काफ़ी जो है इनका बुद्धिस्ट का जो है इन्फ्लुएंस, और आपने देखा होगा यहाँ पे काठमांडू में मेन नेपाल में दो ही आपको जो है मेजर जो है रिलीजन्स नज़र आते हैं, और एक तो है वो है हिंदूज और दूसरे हैं बुद्धिस्ट, और ज़्यादा इनके ही मंदिर और इनके ही सेंचुरीज और इनके ही वो टेंपल्स आपको नज़र आएंगे, और जैसा मैंने तमाम वीडियोस में अपलोड किया है, तो होपफुली आई विल अपडेट द व्लॉग इन द चर्च ऑल्सो, जहाँ पे जो है वो चर्च में, और अभी कालब साहब ने कोल्ड ड्रिंक दे दी है एक बंदर को, जब टोटल टीम जो है वो आ रही है, और इधर तो हाथ से पकड़ लेते हैं और इधर ये जाते हुए और इनको भाई देने पड़ती हैं चीज़ें, ये देखें ये आ गई है फुल फैमिली आ गई है, ये ना हो कि मुझसे ये कैमरा और ये स्टिक ही छीन लें, और ये एक छोटा जो है उन्होंने जस्ट आर्ट पे जो बुद्धा स्टूपा है ये बनाया हुआ है इस तरह, ये जी ये सामने है, काफ़ी बड़ी प्लेस है, इसको आज हम विजिट कर रहे हैं, और ये हर जगह पे आप देखेंगे साथ में ये मंदिरों के जो है छोटी छोटी शॉप्स जो हैं बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और यहाँ पे बेल का साइज आपको दिखाता हूँ, द बिगेस्ट बेल, बहुत बड़ी बेल है, उस पर होपफुली आई टेक द पिक्चर और आपको व्यू भी दिखा दूँ, देखिए दूसरी साइड से व्यू आपको नज़र आएगा, ये सामने काफ़ी बड़ी बेल है लेते हुए, ये जो जगह है यहाँ पे सिक्के फेंक रहे हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखें ये सामने जो है वो सिक्के फेंक रहे हैं पानी में, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं किसका ज़्यादा है, ये देखें और ज़्यादा इधर देखें, बहुत ज़्यादा आपको पानी में सिक्के नज़र आए, ये है वॉल पीस पॉन्ड एक्शन, और ये 1998 से बना में पीस रिवाइल ऑफ रिवेल ऑन अर्थ, कुछ लोग जो है उनके सिक्के जो है वो इसमें बॉक्स में भी जा रहे हैं, और कुछ जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए सारे लोग ट्राई कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं,